नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। ग्राम प्रधान के घर के सामने लगा कूड़े का अंबार, चार महीने से गुल रहा सफाई कर्मचारी। मामला जनपद बहरेज के विकासखंड बढ़ा ग्राम पंचायत बहादुरपुरवा का, जहां पर तैनात सफाई कर्मी के 5 महीने पूर्व ट्रांसफर कर ग्रामों के मुताबिक 1 माह बाद दूसरे सफाई कर्मी ग्राम पंचायत बहादुरपुर में पोस्ट किया गया था, परंतु 4 महीने बीत जाने के बाद सफाई कर्मियों के एक भी दिन सफाई करने के लिए नहीं पहुंचे, जिससे ग्राम पंचायत बहादुरपुरा गांव में मेन रोड पर कूड़े का अंबार लगने का लगा। नालियां भी जाम हो गई, आने जाने वाले राहगीरों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। कीचड़ के आसपास रहने वाले को भी कूड़ा जाम होने के कारण गंदगी बदबू से रहना दुश्वार होने लगा, जिससे ग्रामीण थोड़ी थोड़ी सफाई कर्मचारी की पतित आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिसके हड़बड़ाहट में सफाई कर्मचारी मजदूर लगाकर नाली की सफाई करवाने लगा। खुद एक सफाई कर्मी होकर सूट बूट पहनकर बंधुआ मजदूर रहकर अपना काम पैसे के बल पर करवा रहे थे, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता को मिली और हमारे संवाददाता जबरन खान कवरेज करने के लिए निकल गए और मौके का अनुमान कर कवरेज किया, जिसमें एक मजदूर काम कर रहा था और दूसरी सफाई कर्मचारी होकर भी सूट बूट पहनकर ग्राम प्रधान के घर बैठा हुआ था। हमारे संवाददाता ग्राम प्रधान के घर पहुंचा सफाई कर्मचारी बारे में जानना चाहा तो मजदूर सफाई कर्मी कहने लगे कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी तैनात नहीं है, जबकि ग्रामीणों को साफ सफाई कहना था कि 4 महीने पहले ही सफाई कर्मचारी की तैनाती हो गई थी। इस विषय में जब हमारे संवाददाता एडीओ पंचायत बलहा से जानकारी ली तो एडीओ पंचायत बलहा ग्राम पंचायत बहादुरपुर में कोई भी सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं होने की जानकारी दी, परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सफाई कर्मचारी पोस्टिंग नहीं हुई तो अशोक सफाई कर्मचारी को बंधुआ मजदूर रखने नाली सफाई करवाने की जरूरत ही क्या थी। देखिए खास रिपोर्ट जुब्राइल खान के साथ। कदम बता क्या नाम है आपका? साथी। किस ग्राम सभा की निवासी हैं? ये जो आप नाला का काम कर रहे हैं ये मतलब किस तरह से आप कर रहे हैं? कौन आपसे करवा रहा है? अशोक। अशोक कौन है? मतलब यहाँ सफाई कर्मी है? कौन है वो सफाई कर्मी है यहाँ के? अच्छा, कितने रुपये मजदूर, कितना रुपये देकर के आपसे काम दिया जा रहा है? 100 रुपये 150 रुपये मजदूरी पे आपसे काम, मतलब एक महीने में परमानेंट आप कर रहे हैं कि कभी कभार? जैसे बुलाएं तब आएं, नहीं बुलाएं नहीं आएं। अच्छा, जब बुलावा था आपका तब आओ, उसके बाद में ये जो गंदगी यहाँ पर जमा रहा था, इका कैसे आप लोग कर रहे थे? अब ऐसा कहाँ है बैठाते हैं ऐसा? इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं कुछ ग्रामीण, हम ग्रामीणों से भी बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर सफाई कर्मी की क्या स्थिति है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृपाराम। कृपाराम जी, ये बताइए कि यहाँ की सफाई कर्मी की स्थिति क्या है, वो किस तरीके से? कम से कम 4-5 महीने से यहाँ नहीं आए, सब 4-5 महीने से। कौन है सफाई कर्मी? अभी वो नई पोस्टिंग की हुई है, पहले जो पुराना था वो चला गया। अच्छा, अब नया हुआ है तो नया 4 महीने से नया हुआ। अच्छा, 4 महीने से सफाई कर्मी के लिए इसके लिए आपने किसी उचित स्तरीय ग्राम प्रधान से बताया? प्रधान जी जाने, प्रधान सब मान जी, प्रधान जी नाली खतर गए हैं, इतना पानी हुआ मुहाले में पानी भरा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ग्राम पंचायत बहादुरपुरवा विकासखंड बलहाम ग्राम प्रधान के घर के सामने मौजूद हैं और ग्राम प्रधान के घर के सामने की स्थिति ये है, जो कीचड़ों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ तक कि मनमानी, यहाँ की सफाई कर्मी की मनमानी यहाँ तक चरम सीमा पर है कि ग्राम प्रधान के घर के सामने भी इतना बड़ा कीचड़ का अंबार लगा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे गांव का हाल क्या होता होगा।